जेक सलवन की चाइना के सदर जी जिंग पिंग से मुलाकात लेट अली शो यू के एपिसोड में आप सबको दे डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जेक सलवन यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाइना के अंदर पिछले कुछ दिनों से हैं और उनकी मुलाकात हुई है चाइनी सदर जी जिंग पिंग से पहली मुलाकात जेक अलेवन की चाइना में एक्चुअली पहली ट्रिप जेक सलेवन की चाइना में और ऐसे वक्त पे जब जो तनाव है जो सिचुएशन है चाइना और अमेरिका के दरमियान वो डिटेरियेट हो रही है एशिया पैसिफिक के अंदर अमेरिका एक क्वाड की सूरत हाल जो है ये चार ममालिक जिसमें अमरीका अमरीका जापान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं जो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं ऐसे वक्त पे जेक सलविन का जाना चाइना और ये कहना कि जी आ, हमें थोड़ा ब्रिंक से पीछे हटना होगा ताइवान के इशू को इतना सेंसिटिव ना बनाएं ये सब ये सब बातें अच्छा इसके इसके बाद और इसी के दौरान ट्रिप के दौरान शी जिनपिंग की सदर जो बाइडन से भी अपेरेंटली बातचीत हुई है अमेरिका ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेसिफ़िकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत सारी लेवीज़ और ड्यूटीज लगा दी हैं पिछले एक साल के अंदर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेसिफिकली चिप एक्सपोर्ट या जो हुआवे के 5G जी uh, के हार्डवेयर ये सब चीज़ें वो चाइना से बैन की जा रही हैं चाइना के पास अब एक इतना बड़ा एडवांटेज आ गया इतना बड़ा गैप आ गया है अमेरिका के साथ कॉस्ट वाइज टेक्नोलॉजी वाइज के अमेरिका जो रिस्पॉन्स कर रहा है रिएक्शन के अंदर वो थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा स्पेशली जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर uh, है दुनिया के अंदर वो थोड़ा झटके में आ गया है क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चाइनीज कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैली है कि उसको अब काउंटर करने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो शायद इतने इफेक्टिव ना हो मगर इसके बावजूद जेक अलेवन की ट्रिप चाइना ऐसे मौके पर बहुत अहम माने रखती है इलेक्शंस अमेरिका में सर हैं अब जो बाइडेन के दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या प्लान कर रहे हैं जाते जाते उन्होंने पहली बार अपना एन भेज दिया चाइना अब क्या मुजाकरात होंगे क्या मैसेज लेके गए हैं वो कन्वे करने के लिए कि देखो हमने जो किया सो किया मगर अब ट्रम्प आ रहा है <laughs> तो अब ट्रम्प के आने से चाइना को क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा वैसे हमने देखा है कि चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया ये सब मुखालिफ जो है अमरीका के ये ट्रंप साहब से डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ट्रंप साहब ज़्यादा डायरेक्ट हैं और रशिया के अंदर ये कॉमेंट्री चल रही है नॉर्थ कोरिया तो ऑबियसली आप जानते हैं कि कैसा मुल्क है ट्रंप साहब पहले सदर थे अमरीकी जो गैद भी थे नॉर्थ कोरिया डी एम जी के ऊपर क्रॉस ओवर ने किया मिले वहाँ पर जाके वो जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं उनसे तो ये सब चीज़ें हो रही हैं बेसिकली आम, एक ऐसे वक्त पे जब इंस्टेबिलिटी दुनिया में बहुत फैली हुई है अमेरिका की वजह से ही फैली हुई है और अमेरिका के जो मुखालिफ मुल्क हैं जिनमें रशिया भी शामिल हैं उसके वजह से ही फैली हुई है अब रशिया का जो यूक्रेन के अंदर कॉन्डक्ट चल रहा है वहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमले रशिया के जारी हैं जो रशियन फोर्सेस घुरे घुसे हुए थे कर्स के अंदर वो एक बहुत बड़ा एक अलमिया बन के सामने आ गया यार कि क्या हो क्या रहा है कर्स के अंदर और यूक्रेन ने इतने इतना जो इतने दिन से अभी तीन हफ्ते होने को आ रहे हैं बेसिकली इस कार्रवाई को तो क्या वहाँ पे सीन चल रहा है भी? तो वहाँ पे ये सीन चल रहा है कि जी अभी तक कीव लगा हुआ है कुर्स के रीजन के अंदर अब उसने बंदे फेंके हुए हैं मगर अब ये रियलाइजेशन आ गई है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो बंदे थे वो हेल्प कर रहे हैं यूक्रेनियंस की रशिया के अंदर एटलीस्ट ये एलिगेशन किया जा रहा है रशिया की तरफ से कि जी इसके अंदर अमरीकी इन्वॉल्व हैं और वो फुल तरीके से सपोर्ट करेंगे यूक्रेनियन फोर्सेस को हमारे एरियाज के अंदर और इसका हम जवाब देंगे तो अब वो जवाब कब देंगे कैसे होंगे क्योंकि यूक्रेन ऑक्यूपेशन जो है वो 6 अगस्त से जारी है इन एरियाज़ के अंदर और अब एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ सिचुएशन बढ़ रही है तीन साल होने को आ रहे हैं अगले साल फरवरी के अंदर इस पूरी कार्रवाई को हमें ये नहीं पता हम ये इतमान से नहीं कह सकते कि सिचुएशन किसी अख्ताम को या ऐसी दिशा पे बढ़ रही है कि यार के कोई नगोसिएशन हो सके कोई पीस हो सके अच्छा रशिया यूक्रेन की जब बात करते हैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम ऐप का मैंशन करना क्योंकि इनके जो टेलीग्राम uh, ऐप का जो फाउंडर था रशियन आदमी है मगर उसके पास फ्रेंच सिटीजनशिप भी है अमराती सिटीजनशिप भी है और पता नहीं कहाँ का दुनिया की सिटीजनशिप्स हैं उसका नाम है पावेल दुराव पावेल दुराव फ्रांस uh, पहुंचा कुछ दिन पहले उसको वहां पर इन्होंने पकड़ लिया क्यों पकड़ा अब आके पता लगा है कि एक जुडिशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है टेलीग्राम ऐप के ऊपर 18 काउंट्स के ऊपर चार्ज किया गया है पावेल दुराव को फ्रेंच फ्रेंच सिटीजन है अच्छा फ्रांस के अंदर इसको क्रिप्टो करेंसी के जो इलीगल ट्रांसफ़र्स हैं या ये वाद ऐप है टेलीग्राम की जिसके अंदर आप दो लाख लोगों का ग्रुप बना सकते हैं सही है और कोई इतनी वो चेक और बैलेंस भी नहीं होते तो क्रिप्टो की ट्रांसफ़र के लिए टेलीग्राम बेहतरीन है अच्छा इसके अंदर ये भी एलिगेशन के ऑर्गेनाइज क्राइम को और छुपाने को उस एक्टिविटी को ये इसके अंदर दुराव साहब इन्वॉल्व थे अब ये वेस्टर्न ऐप तो है नहीं जिसके अंदर सी आई ए डायरेक्टली घुस सके या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो डायरेक्टली घुस सकें तो इसी आ, ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए इस ऐप के ऊपर कब्जा किया जाए और यहाँ से एक आ, इनको यरगम एक तरीके से बनाया जाए अब ये बेल के ऊपर आउट है ये फ्रांस लीव नहीं कर सकते पावल दुराव साहब अठारह अकाउंट्स ना मैंने कहा लगे हुए इनके ऊपर और फ्रांस वाहिर तौर तो पे तो जी कि हम आज़ाद मुल्क हैं लिबर्टी फ्रिटर्निटी ये इग्लिटी ये सब बातें वो करते हैं मगर पावर प्ले की जब बात आती है तो फिर पावर प्ले तो पावर प्ले ही होता है और पावर प्ले के अंदर कुछ भी मुमकिन है <laughs> अच्छा आ, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकशाक यहाँ पे करना मेरे ख्याल से जरूरी है हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे और जेक सलेमन साहब जो चाइना गए हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेक सलेमन साहब चाइना जो गए हुए हैं उस वाले से फेंटिनल जो ये आ, एक दवाई है पेन रिलीवर है बेसिकली अमेरिका के अंदर तो बहुत हद तक इसे बैन कर दिया है मगर चाइना में जो फेंटिनल बन रहा है वो अमेरिका एक्सपोर्ट जो हो रहा है वहां से एक ओपीइड क्राइसिस शुरू हो गई है जैसे ड्रग्स को आप फेंटिनल तो ओवर द काउंटर आप जाके प्रिस्क्रिप्शन uh, के थ्रू ले सकते हैं मगर उसको पीस के उसको प्रोसेस करके जो और ड्रग बनाए जा रहे हैं उसका एक एपिडेमिक हो गया है अमेरिका के अंदर और बहुत सारे लोग भी पेन किलर से मर भी रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जे एक्स एलेवन साहब से की, की जा रही है या वो कर रहे हैं चाइना से यार किस तरीके से कर्व करो हमारे लिए बहुत मसले खड़े हो गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट अब चाइना क्या एक तरफ तो कहेगा कि यार तुम हमसे मसले खड़े सॉल्व कराना चाह रहे हो फ्री ट्रेड की बात करते हो दूसरी तरफ से तुम लोग प्रोटेक्शनिज्म लगाते हो अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पिछले चालीस पचास साल से हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं चालीस साल से तुम्हें सस्ते प्रोडक्ट्स बेच के ये सब कुछ उसका कुछ नहीं है जो हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे बलबूते पे डेवलप किया उसका कुछ नहीं है तुम्हें सप्लाई करने के लिए तो खैर ये गुफ्तु है जो चलती आ रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान अब इसका क्या हल होगा नहीं होगा हमें नहीं पता सिचुएशन हमारे सामने ही चल रही है दुनिया भर के अंदर एक तरीके से आग लगी हुई है वो आग पाकिस्तान के अंदर भी लगी हुई है मगर हमें उस बात का शायद इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा एहसास नहीं हो रहा कि यार ये या आग लगी हुई है मसले खड़े हो जाएंगे हमारे लिए या हो गए हैं इसी तरीके से अब यू यू के अंदर भी और जो नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं की स्टारमर उन्होंने भी इजहार किया है कि जो यूके के अंदर फार आइड ग्रुप्स हैं और अब यूरोप के अंदर वो मिलकर काम कर रहे हैं और इनके इनको काउंटर करने के लिए कोई इकदाम लेने ज़रूरी होंगे अब ये बात कर रहे हैं बेसिकली जर्मनी गए हुए थे और जर्मनी के अंदर बहुत फार आइड ग्रुप्स का राइज हुआ है देखा है हमने पिछले कई सालों के अंदर तो स्टारमर साहब की मुलाकात भी हुई शोल्ट साहब के साथ जो जर्मन चांसलर हैं और इन्होंने कहा यार कि हमें कुछ करना पड़ेगा फायरइट को और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्टिंग टाइम्स इन आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है दुनिया में फायर आइट को लेकर ये जो जंगें चल रही हैं इसराइल की बात हम करते हैं वहाँ पर भी आ, अब तो वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है गाजा के बाद और इसराइल के जो फॉरन मिनिस्टर हैं इसराइल कार्टस उनका नाम है वो कह रहे हैं कि जी हमें ये जो गाजा में हम कर रहे हैं ईरान इस्लामिक जिहाद को डिफीट करने के लिए ये हमें हमें वेस्ट बैंक के अंदर करना पड़ेगा ये नौ का हाल है इमेजिन करें आप खैर फिलहाल इतना ही अपना ख्याल रखिएगा इन आपसे दोबारा हाजिर होंगे और अपडेट्स लेकर आपके लिए फिलहाल इतना ही डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कॉन्टेंट अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफि